अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लैब 3 का बेसिकली सेकेंड पार्ट क्या है? इंट्रोडक्शन टू सिमुलिंक। सो आपका कोई भी फिज़िकल सिस्टम है, ठीक है, जैसे अगर क्वाड कॉप्टर है, ठीक है, या कोई कह लें कि ये एरोप्लेन है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसका ना फिज़िकल मॉडल नहीं बनाने लग जाते। हम क्या करते हैं कि पहले जो भी आपका जो है वो फिज़िकल सिस्टम है, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, पहले मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है कि रेप्लिका होता है फिज़िकल सिस्टम का। एग्जैक्टली मतलब वो नहीं होता, लेकिन क्या होता है, उसका मॉडल होता है, उसका रेप्लिका होता है, ठीक है। तो वो जो हम उसका मॉडलिंग बेसिकली करते हैं ना, तो हम उसके मॉडलिंग में डिफरेंट पैरामीटर्स को सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी मॉडलिंग के बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सिमुलिंक यूज़ करते हैं। अब सिमुलिंक में हम लोग, सिमुलिंक क्या है कि उसमें हम डिफरेंट जो है वो ब्लॉक्स की मदद से जो है वो सिस्टम डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो ऐड कर रहे होते हैं, उसके डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, तो ब्लॉक्स की फॉर्म में जो है वो हम सिस्टम को ऐड कर रहे होते हैं। डिफरेंट जो आपके पास कंपोनेंट हैं उनके ब्लॉक्स होते हैं, सिमिलिंग उन ब्लॉक्स को बेसिकली हम ऐड कर रहे होते हैं और उनके कनेक्शंस करते हैं, तो एक मॉडल बेसिकली पूरे सिस्टम का बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली आपका जो है वो वैसे ही काम कर रहा था जैसे आपका फिज़िकल सिस्टम होता है। तो उसके बाद फिर हम उसके फिज़िकल सिस्टम पे, उसके अपेयरेंस पे आते हैं सारा कुछ। तो पहले हम क्या करते हैं, उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। सो सिमुलिंक में हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने क्या किया था कि इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है, ठीक है, उसका क्या किया था, उसको पहले लैपलास डोमेन में लेकर थे, ठीक है, और उस डोमेन में लेकर जाकर उसने हमने इक्वेशन लिखी, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन उसकी लिखी, ठीक है, और उससे फिर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमने एक फाइंड किया, ठीक है, और उस ट्रांसफर फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, सिमुलिंक के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग कैसे करते हैं वो बेसिकली हम आज के लैब में देखेंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन मैटलैब का क्लियर भी हो जाएगा कि हम कैसे, सॉरी, सिमुलिंक का क्लियर भी हो जाएगा कि हम कैसे जो है उस पर कोडिंग वगैरह ब्लॉक्स को डिफरेंट ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे अब अगर हमने एक सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है, ठीक है, तो हम मैटलैब में क्या करना पड़ेगा, उसके कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, हम लिख रहे होते हैं, और मैटलैब की लाइब्रेरी है जो सिमुलिंक है, उसमें हम जस्ट क्या करेंगे, उसके ब्लॉक्स को ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे कि हम इनपुट का अलहदा से ब्लॉक होगा, ठीक है, आउटपुट को शो करने के लिए एक अलहदा से ब्लॉक होगा, ठीक है, सिस्टम के लिए एक अलहदा से ब्लॉक होगा, ठीक है, तो उन डिफरेंट ब्लॉक्स को हम लोग जो है वो उसकी सेटिंग करेंगे और फिर उसके कनेक्शन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे ही हम लोग जो है मैटलैब की लाइब्रेरी को ओपन करते हैं सिमुलिंक को, तो ये ऐसे ही आपके पास विंडो ओपन हो जाती है, ऐसा इंटरफेस आता है। तो यहाँ से आपने जो है वो ब्लैंक मॉडल पे इसको क्लिक करना है, ठीक है, ब्लैंक मॉडल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास ये विंडो हो जाएगी, एक ब्लैंक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने जाना है लाइब्रेरी ब्राउज़र पर, ठीक है, जैसे आप लाइब्रेरी ब्राउज़र पर क्लिक करोगे तो अब हमने क्या करना है कि एक सिस्टम है, ठीक है, उसके हमने क्या करना है कि उसकी उसका उसका जो है स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है। तो पहले हमें सिस्टम को देखना पड़ेगा, तो आपने सिमुलिंक में जाना है, उसके इसकी जो लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके हमने कंटिन्यूस में जाना है, ठीक है, और आपने जाना है ट्रांसफ़र फंक्शन में, कंटिन्यूस में जाके ये आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये पहले के मैं आप लोगों को साथ साथ बता भी देता हूँ मैटलैब को ओपन करके, ठीक है, जैसे मैंने मैटलैब को अगर मैं ओपन करूँगा तो ये मैटलैब का इंटरफेस है। हमने क्या करना है, सिमुलिंक को जो है वो यूज़ करना है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको ये आइकन नज़र आ रहा है आपको सिमुलिंक का, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये विंडो ओपन हो गई। यहाँ से मैंने आगे क्या कहा था, आपने ब्लैंक मॉडल में जाना है, इस पर क्लिक करना है, क्रिएट मॉडल। अब सिमुलिंक स्टार्ट हो रहा है।
ये क्योंकि पीसी थोड़ा सा स्लो है तो उस वजह से मैटलैब थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, मैटलैब से मिली तो वो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये आपका जो है वो मॉडल ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, लाइब्रेरी ब्राउज़र पे जाना है। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये मैटलैब की लाइब्रेरी ओपन हो गई है, ठीक है, जिसमें बेसिकली डिफरेंट आपके पास ब्लॉग्स हैं जिनकी मदद से आप बेसिकली क्या करते हो, सिमुलिंक के डिफरेंट ब्लॉग्स को ऐड करके बेसिकली सिमुलिंक पे काम करते हो। तो यहाँ से हमने जाना है कंटिन्यूस में, ठीक है, और यहाँ से क्या करना है, ट्रांसफ़र फंक्शन को सेलेक्ट करना है। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है, आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी इसको कर सकते हो, और यहाँ से आप अगर आप राइट क्लिक करो, ऐड टू मॉडल जो आपकी विंडो है उसमें अगर आपने ऐड करना है, ऐसे आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसमें ये ऐड हो गया होगा, ये देखें, ठीक है, ये ब्लॉक आपका ऐड हो गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये ब्लॉग आ गया आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब क्या करना है कि इसके कोफिशेंट्स को सेट करना है, वहाँ बाद में करते हैं, वो आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, अच्छा, अब इनपुट हमने सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है, तो हमें जो इनपुट अप्लाई करना पड़ेगी। अब पहले तो आप लोगों को बताना चाहिए कि सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होता है, रोज रिस्पॉन्स होता है जो सिस्टम बिहेवियर शो करता है। तो अब स्टेप रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि जो बेसिकली सिस्टम को इनपुट अप्लाई करेंगे तो वही उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो बेसिकली इनपुट के रिस्पेक्ट से ही होगा। सिस्टम के हम स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो जो इनपुट हम अप्लाई करेंगे वो स्टेप करेंगे। इस तरह अगर साइनोसाइडल फाइंड करना चाह रहे हैं तो जो इनपुट अप्लाई करेंगे वो साइनोसाइडल होगी, तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो साइनोसाइडल रिस्पॉन्स होगा। तो अगर हमें स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो हमें इनपुट बेसिकली स्टेप यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस स्टेप को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, अब यहाँ से सोर्स में आपने जाना है, ठीक है, सोर्स में जाके यहाँ पे स्टेप का होगा आपके पास, ये डिफरेंट पड़ी हुई है, आपका रैम इनपुट पड़ी हुई है, पल्स जनरेटर है, सारा कुछ जो भी आपने इनपुट के तौर पे यूज़ करना है, सर साइनोसॉइडल वेव है, हमें स्टेप चाहिए। स्टेप पे क्लिक करेंगे और इसको कर देते हैं ऐड टू मॉडल, ठीक हो गया, तो उस विंडो में बेसिकली ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, अच्छा अब क्या करना है, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, स्कोप को यूज़ करते हैं। तो सिंक्स में जाके आपने जो है वो स्कोप को यूज़ कर लेना है, ठीक है, स्कोप को यूज़ करके फिर उसको सिंपल कनेक्शन कर देना है, ठीक है। सो ये हम लोग कर लेते हैं क्योंकि लिए। इनपुट है, अब हमने जाना था सिंक्स में, तो ये सिंक्स में चले गए हम लोग, और यहाँ से स्कोप ये रहा जिसको हम जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने कनेक्शंस करने हैं, तो यहाँ से आपने इस पर प्रेस करना है और इसको सिंपल यहाँ से ऐसे कनेक्शन कर देना है, इस तरह ये आपने इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक दबाए रखना है इसे, और इसको यहाँ पे ला के जैसे रेड ब्लैक लाइन होगी इसका मतलब है कि ये आपके कनेक्शन हो गए हैं। अगर रेड आ रहा है इसका मतलब कि कोई ना कोई आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, कनेक्शन हो गए आपस में। अच्छा, अब हमारा सिस्टम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे अब ये सिस्टम है 1/S+1, ठीक है। तो जैसे मैटलैब में मैंने आपको प्रीवियस लैब में बताया था, हम न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर फाइंड करते हैं, मतलब उसको पहले लिखते हैं, ठीक है, तो फिर सिस्टम के रिस्पॉन्स फाइंड करते हैं। तो इस तरह आपने यहाँ से सिस्टम के न्यूमिरेटर सेट करके, डिनोमिनेटर सेट कर कोई भी सिस्टम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूमिरेटर चले ही नहीं देता हूँ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि 1/ आपके पास हो 2S² + 1, ठीक है। तो 1S पहले S की पावर 0 का कोफिशियंट आएगा, फिर S की पावर 1, फिर S की पावर 2 एंड सो ऑन। तो S की पावर 0 का कोफिशियंट जो है वो अगर मैं कर लेता 2S² + 1 करना, तो S0 का कोफिशियंट क्या है, 1 है, ठीक है। अब आपका जो है वो S का कोफिशियंट क्या है, 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने S को यूज़ नहीं करना, अगर
अगर मैं करता हूँ यहाँ पे टू, तो ये स्केयर का ऑप्शन है, ये बेसिकली आ जाएगा वन ओवर टू एस स्केयर प्लस वन, ठीक है, क्योंकि एस का ऑप्शन मैंने ज़ीरो कर दिया। इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है, और इसको ज़रा मैं अगर थोड़ा सा देखूँ, ये क्या आ गया, वन ओवर टू एस स्केयर प्लस वन, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, ठीक है। अब क्या है, मैटलैब में मैंने जैसे आपको बताया, हम डिफरेंट ब्लॉक्स को बेसिकली ऐड कर रहे होते हैं, ये डिफरेंट ब्लॉक्स को बड़े इजी, मतलब मैटलैब की कोडिंग है, डिफरेंट ब्लॉक्स को हम ऐड करके जो है वो इसको इस पर मॉडलिंग कर रहे होते हैं, मॉडल बना रहे होते हैं। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास सिस्टम, ठीक है। अगर हम इसको रन करते हैं, यहाँ से आप लोगों ने रन करना है, ठीक है, सिस्टम को, तो पहले कंपाइल हो रहा है और फिर रन हो गया, ठीक है, अब ये रन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आउटपुट डिस्प्ले हो रही होगी, स्कोप पे इसका रिस्पांस आ रहा है, उस पर अगर हम डबल क्लिक करें तो आपका स्कोप आ जाएगा, तो ये बेसिकली रिस्पांस आ रहा है आपके सिस्टम का, ठीक है। मतलब क्या, आपने स्टेप इनपुट अप्लाई की है, ठीक है, तो ये सिस्टम ने आगे से आपको रिस्पॉन्स दे दिया, जो कि थोड़ा सा साइनो साइड सा आ रहा है, मीन्स के ऑसिलेटरी थोड़ा सा मतलब है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसके भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, ठीक है, आपने कोई भी सेटिंग करनी है, ठीक है, यहाँ पे आप जाके जो है वो इसकी सेटिंग कर सकते हो आराम से, ठीक है। आपने जो है वो अगर इसका जो है टाइम स्केल सेट करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, लेबल सेट करना है वो कर सकते हो, ठीक है, एक्स का लेबल आ गया, ठीक है, यहाँ पे आप टाइटल कोई भी सेट कर सकते हो, ठीक है, ग्रिड ऑन करना है वो कर सकते हो, ठीक है, मतलब डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसकी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो, तो डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ से आप लेआउट में जाओगे, यहाँ से आप लेआउट भी डिफाइन कर सकते हो, कितनी विंडोज़ ओपन हो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कन्फिगर प्रॉपर्टी में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप इसको सेटिंग कर सकते हो, इसकी सारी मतलब डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आप ना इसकी कर सकते हो, इसको मोर एक्सप्लोर करके ना आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो इसमें, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं मैनुअल पे। अच्छा, अब ये टास्क का जो आप लोगों ने करने हैं, टास्क वन बेसिकली क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट एंड अप्लाई लेप्रा ट्रांसफॉर्म ऑन इट्स इक्वेशन एंड सॉल्व द करंट लूप यूजिंग केवीएल इन द सेम डोमेन, ठीक है, देन यूज द सिंबॉलिक कमांड प्रिटी टू प्रिंट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, देन फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ जी वन ऑफ एस विच इज इक्वल टू वन ओवर सॉरी आई वन ऑफ एस ओवर वी ऑफ एस एंड जी टू ऑफ एस इज इक्वल टू आई टू ऑफ एस इन टू ओवर वी ऑफ एस, नोट यूज द मैटलैब कोड टू सॉल्व इट, ठीक है, ऑल्सो फाइंड वी सी ऑफ एस ओवर वी ऑफ एस यूजिंग थोरेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें सिंपल पहले आपको जैसे प्रीवियस जो है वो इसके पार्ट वन में बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम एक जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं और मैटलैब के थ्रू कैसे करते हैं, तो पहले सिस्टम वैसे आपने क्या करना है कि सर्किट दिया है, इस सर्किट को लैपलास में कन्वर्ट कर लें, लैपलास डोमेन में, ठीक है, फिर इस सर्किट में जो है वो मेश की इक्वेशन लिख लें और मैट्रिक्स बना लें ए एक्स और बी, तो फिर आगे मैटलैब को मैंने आपको लोगों को एग्जांपल दी हुई है, तो वैसे आप लोगों ने इसको यूज़ करके अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखी तो आप वो देख लें पहले, तो उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो मैटलैब के थ्रू सॉल्व करते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको करना है और आपने क्या करना है, अब जी वन ऑफ एस और जी टू ऑफ एस जो सिस्टम है उसका स्टेप रिस्पॉन्स को फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और एडिशनल बताया हुआ है आपने, वी सी ऑफ एस ओवर वी ऑफ एस भी फाइंड करना है, तो मतलब जो आउटपुट दी हुई है वो कैपेसिटर के क्रॉस है वी सी ऑफ एस ओवर वी ऑफ एस, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो अब हम कैसे लिखेंगे, अगर हमने वी सी ऑफ एस की हमने फाइंड करना चाह रहे वोल्टेज क्या है, वो क्या होगा कि जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो कर रहा होगा आई टू ऑफ एस इंटू जो आपके पास इसकी इक्विवेलेंट इंपेडेंस है जो कि क्या है वन ओवर एस सी होगी, तो दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और अब आई टू ऑफ एस क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ वी ऑफ एस, वहाँ से फिर हम वी सी ओवर वी एस का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, हम निकाल सकते हैं, तो वो आप लोगों ने कर लेना, ठीक है। प्रीवियस वीडियो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा इसको कैसे इसको सॉल्व करना है, इसका बेसिकली
इस वीडियो से लिंक नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है वो आगे हम देखेंगे, सिम्बलिंक के जो टास्क आएंगे, ये प्रीवियस वीडियो का बेसिकली टास्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आपने एक, आपको मैं कह ये मैकेनिकल सिस्टम है उसका ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, आपने करना है कि इसमें एम को 4 रखना है, ठीक है, के आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का 7 है, और डी को आपने जो हमें डैम्पिंग को वेरी करना है 0.5 से 50 तक, कोई से तीन वैल्यू ले लें, 0.5 ले लें, इसके मिड में ले लें, फाइनल वैल्यू ले लें, ठीक है। और ड्रा द रिस्पॉन्स ऑफ फॉर स्टेप इनपुट एंड प्लॉट इट ऑन मल्टीपल और सब प्लॉट, मतलब सब प्लॉट आपने यूज़ करना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, तीन वैल्यूज इसकी आएंगी, इससे क्या आएंगे, तीन थ्री डिफरेंट प्लॉट्स आएंगे आपके, ठीक है। तो आपने फिर इसको वेरी करना है, ठीक है डी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अब आपका एम है और डी है, इसको आपने फिक्स कर देना है, फिर के को वेरी करना है, ठीक है। इसके भी तीन आएंगे आपके पास प्लॉट्स, इसके भी एक फर्स्ट ले लें, एक मिड ले लें, एक लास्ट वैल्यू ले लें, तो इसको भी सब प्लॉट से करना है, और इन दोनों को सेपरेट कर दो फिगर कमांड से, ठीक है। तो इससे हो बेसिकली होगा क्या कि अब जो भी सिस्टम आपका होता है ना, अगर आप लोग देखोगे वो डिनोमिनेटर से बेसिकली ना सिस्टम डिफाइन हो रहा होता है कि सिस्टम का की स्टेबिलिटी अगर हमने चेक करनी ना, डिनोमिनेटर से हमें पता चलता है सिस्टम के पोल से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सिस्टम के पोल चेंज होंगे, एम डी के की वैल्यू चेंज करने से सिस्टम के पोल चेंज होंगे, उससे सिस्टम आप आगे आप पढ़ोगे सिस्टम के रिस्पॉन्स होता है क्रिटिकली डैम्ड, अंडर डैम्ड, ठीक है, ओवर डैम्ड रिस्पॉन्स पढ़ोगे, तो बेसिकली वो क्या होगा, रिस्पॉन्स चेंज होंगे सिस्टम के, ठीक है। तो वो आप लोगों ने क्या करना है, इसको वेलाइज कर लेना। अच्छा नेक्स्ट, ये बेसिकली आपका टास्क का सिम्बलिंक पे जो आपने करना है, फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ गिवन ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग सिम्बलिंक। सो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। तो वैसे ही आपने क्या करना है, सिस्टम के न्यूमिरेटर डिफाइन कर लेने हैं, वहाँ जाके डिनोमिनेटर डिफाइन कर लेने हैं जैसे आपको दिए हुए हैं। अब ये S0 का कोफिशेंट है, ये S1 का, ये S2 का, S0 का कोफिशेंट 1 है, S का कोफिशेंट 3 है, S² का कोफिशेंट 1 है, इस तरह डिनोमिनेटर का, सॉरी यहाँ पर ना 10 लिखा हो, ये 8 आएगा बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपका जो है वो एक ये सिस्टम दिख दिया, इसको भी आपने सिम्बलिंक के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लेना, ठीक है। फिर आ गई आपका ये सिस्टम है पूरा, इसको आपने सिम्बलिंक के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आप सिंपल, हमने एक दो और ये तीन चीज़ें पढ़ी हैं, अब अगर आप हम सिम्बलिंक में गेन लिखोगे ना, गेन, तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, ये गेन आ जाएगा, ठीक है, इस गेन इस तरह, इस अगर आपने ये समर ये ऐड करना था, अगर आप सम लिखोगे ना बेसिकली सिंगल लिंक पे, तो ये आपके पास ये ब्लॉक आ जाएगा सम का, आप इस पे डबल क्लिक करके आपने इसको प्लस माइनस करना है, प्लस प्लस जो भी करना है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि इस पूरे जो ये ब्लॉक डायग्राम है इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग सिंगल लिंक, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या प्रोपोर्शनल कंट्रोल है, प्रोपोर्शनल में बेसिकली ना सिर्फ गेन होती है, ठीक है, ये के कंट्रोलर है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। तो आगे आप लोग कंट्रोलर देखोगे, PID कंट्रोलर, ठीक है। तो आपने जो भी सिस्टम के रिस्पॉन्स आ रहा है उसको वीलाइज करना है, ठीक है, कैसा आ रहा है, ये सिंपल प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है। इस तरह फिर आगे ना ये हमने डेरिवेटिव भी ऐड कर दिया, प्रोपोर्शनल के साथ ये नीचे डेरिवेटिव भी ऐड हो गया, ठीक है। तो आपने भी इस पूरे सिस्टम को सिम्बलिंक पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अगर आप डेरिवेटिव लिखोगे तो डेरिवेटिव का ब्लॉक आ जाएगा, वहाँ से आपने गेन सेट कर लेनी, ये गेन है, ये भी गेन है, तो सिंपल इसको आपने कनेक्शंस कर लेना है ईजिली। तो अभी आप करोगे तो आपको आइडिया होगा सिम्बलिंग पे, ठीक है। इधर सिस्टम का आपने न्यूमिरेटर डिफाइन कर लेना, डिनोमिनेटर डिफाइन कर लेना, फिर इसका रिस्पॉन्स देखना है आपने, ठीक है, और इसको ऑब्जर्व करना है कैसा आ रहा है। इस तरह ये फिर इंटेग्रल कंट्रोलर, इंटेग्रल में बेसिकली हम क्या करते हैं कि पोल ऐड कर रहे होते हैं, डेरिवेटिव में हम क्या कर रहे होते हैं, जीरो ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल प्लस इंटेग्रल आ गया, PI कंट्रोलर आ गया। तो आगे आप प्रॉपर हम इसके डिज़ाइनिंग देखेंगे, हमारे नेक्स्ट आगे लैब्स आएंगे उसमें हम डिज़ाइनिंग करेंगे। जस्ट आपको बिल्ट इन दे दिया है, आपने रिस्पॉन्स चेक करना है कि इनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा होता है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट आपके पास प्रोपोर्शनल के साथ डेरिवेटिव भी आ गया, इंटेग्रल भी आ गया, तो ये PID कंट्रोलर आ गया आपके पास। और ये आपके पास पीछे के आपके पास ये प्लांट है, ये कंट्रोलर आ गया और ये प्लांट आ गया, ठीक है। तो इसको सिंपल जो है वो फीडबैक कर दिया, ठीक है, और इसको भी आपने इम्प्लीमेंट कर लेना यूजिंग सिम्बलिंक, ठीक है। और ये जो आपके पास सिस्टम है, ठीक है, इसी तरह सिस्टम के न्यूमिरेटर लिखोगे, न्यूमिरेटर डिफाइन करोगे, ठीक है, आपने इसका रिस्पॉन्स। तो आपने क्या करना है कि
ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर पी ये प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर और जो पीआईडी कंट्रोलर, इन सब का रिस्पॉन्स है चेक करना है और हमें डिफरेंस बताना है कैसा रिस्पॉन्स में क्या चेंजिंग आई है ऑब्जर्व करना है आपने। तो फिर इसका प्रॉपर आप आगे जब डिज़ाइनिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम का रिस्पॉन्स ट्रांजिएंट, ये जो आपके पास है कोई ट्रांजिएंट जो है वो उसको इम्प्रूव कर रहा होता है, कोई स्टेडी स्टेट को जो है वो कम कर रहा होता है। अगर आप लोग ना डिटेल से पढ़ोगे स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, ट्रांजिएंट करेक्टरिस्टिक क्या होती है सिस्टम की, ठीक है, वो उसको हम जो है डिटेल से देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।